तो आगे हो आप। तो दोस्तों क्या आपका फ्री फायर अकाउंट बैन हुआ है, मतलब कि फ्री फायर वालों ने आपका फ्री फायर अकाउंट को बैन कर दिया है। और मुझे पता है ऐसे में अभी आप इस टॉपिक पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख रहे हो और बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताता है कि भाई ये करो वो करो, वहां पे जाके रिपोर्ट करो, तो फिर आपका जो फ्री फायर अकाउंट है वो अनबैन हो जाएगा। लेकिन भाई बहुत सारे वीडियो को देखने के बाद, वो सब कुछ काम करने के बाद फिर भी आपका फ्री फायर अकाउंट अनबैन नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप सब आपका फ्री फायर अकाउंट को अनबैन कर सकते हो या फिर अनबैन कर सकते हो या फिर नहीं। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता ही देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर से कोई इस टॉपिक पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि भाई इस वीडियो में आप लोगों को एकदम लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले परिचय तो बनता है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पप्पन और आप देख रहे हो मेरे को, और मैं देख रहा हूँ क्या सोच रहे हो, आपको देख रहा हूँ, तो जी आपको भी देख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सोच सकते हो तो मैं आपको कैमरा फाड़ के देख भी सकता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो, राइट साइड में फ्री फायर का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे अकाउंट बैन के ऊपर सब कुछ डिटेल्स में लिखा है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ और समझा देता हूँ और दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नंबर वन जो रीजन है वो है भाई, अगर आप कोई मॉडिफाई एप्लीकेशन को गेम में इस्तेमाल करते हो तो भी आपका अकाउंट बैन होगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद फिर अगर आप फ्री फायर में कोई थर्ड पार्टी टूल्स वगैरह को इस्तेमाल करते हो तो भी आपका अकाउंट बैन होगा। और उसके बाद फिर अगर आप गेम में कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करते हो तो भी बैन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को मेन जो रीजन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, आप देख लेना है पढ़ लेना, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करके खुद ही वेबसाइट को ओपन करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, अगर आप यहाँ पे भाई फ्री फायर में हैक वगैरह लगाते हो, लाइक जैसे कि एंटी हैक या फिर ऑटो हेडशॉट वगैरह, तो भी आपका अकाउंट बैन होगा। और उसके बाद फिर भाई यहाँ पे भाई बहुत सारे रीजन है, तो आप सारे रीजन को पढ़ लेना। लेकिन भाई अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब सब लिखा है, अकाउंट फाउंड गिल्टी विल बी परमानेंटली सस्पेंडेड एंड इस फाइनल। और भाई मुझे पता है इसको देखने का आपको शॉक लगेगा या फिर भाई दुख होगा, लेकिन भाई यही रियलिटी है। अगर आपका फ्री फायर अकाउंट बैन हुआ है और बैन का जो रीजन है ये सब है, और भाई बैन जो है वो अकाउंट इसलिए ही होता है क्योंकि यार लोग हैक वगैरह यूज करता है, मतलब कि यहाँ पे जो जो रीजन है, तो मुझे पता है भाई इसी में से आपका भी कोई रीजन होगा जिस वजह से आपका फ्री फायर अकाउंट बैन किया है, ठीक है। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है, अगर आपका फ्री फायर अकाउंट बैन होता है तो फिर भाई वो परमानेंटली सस्पेंडेड कर देता है, ठीक है। मतलब कि भाई उसके बाद आप आपका जो फ्री फायर अकाउंट है उसको आप कभी अनबैन कर नहीं पाओगे। अभी मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूँ कि क्यों अनबैन कर नहीं पाओगे, क्योंकि भाई फ्री फायर वालों नहीं चाहता है कि उनका गेम को कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर हैक वगैरह करके खेले, क्योंकि हैक करके अगर खेलेगा तो भी जो रियल प्लेयर होगा तो यार वो तो पाएगा ही नहीं, जो हैक करके खेलेगा वही तो जीतेगा। और फ्री फायर नहीं चाहता है कि उनका गेम का बदनाम हो भाई, और अगर कोई हैक करके खेलेगा तो भाई वो तो जीतेगा और दूसरा बंदा भाई गेम को हेट करने लगेगा भाई, रिपोर्ट वगैरह करेगा, तो फ्री फायर ऐसा नहीं चाहता है। इसीलिए भाई अगर आप फ्री फायर में ये सब गलती करते हो तो भाई मत करो, क्योंकि यार अगर आप करोगे तो आपका आईडी परमानेंटली बैन होगा और अनबैन होगा ही नहीं। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि भाई आपको ऐसे YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे आप लोगों को बताता है कि भाई आप इस वेबसाइट पे जाके ये लिखो वो लिखो, फ्री फायर में मेल भेजो, तो फिर आपका जो अकाउंट है वो अनबैन कर दिया जाएगा। लेकिन यार मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोलता हूँ, गारंटी देता भी हूँ, अगर आपका अकाउंट बैन हुआ है तो फिर आपका अकाउंट कभी भी और अनबैन नहीं होगा, क्योंकि यार फ्री फायर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप सबने देखा वहां पे साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो यार ऐसा वीडियो मत देखो। और भाई मुझे पता है अभी आप मेरा वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन जो समझदार लोग है वो वीडियो को समझेगा। तो भाई मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी फेक वीडियो मत देखो यूट्यूब पे भाई, देख के कोई फायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, उससे अच्छा आप एक नया अकाउंट बना लो और खेलो। और यहाँ पे जो जो रीजन है वो सब रीजन फिर से मत करो, क्योंकि भाई अगर आप करोगे तो आपको तो पता ही भाई फिर से आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कर देना, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो फिर डिसलाइक कर देना, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो फिर आप लाइक ही हुए। और मुझे कमेंट करके जरूर बता देना इस वीडियो को देखने से पहले आपने यूट्यूब पे इस टॉपिक पे वीडियो देखा है या फिर नहीं देखा, ताकि मेरे को पता चले कि आपने यार दोस्त देखा है या फिर नहीं देखा। और वीडियो को शेयर करके फैला देना अपना दोस्त या फिर जिस भी बंदे का फ्री फायर अकाउंट बैन हुआ है, ताकि यार वो लोगों को पता चले, ठीक है, और वो लोग अपना टाइम खराब ना करें। और अगर अभी चैनल पे पहली बार आए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन यार रुको रुको रुको, पहले मेरा बात सुनो,
अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो ही सब्सक्राइब कर देना, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि आपका फोन है, आपका लाइफ है, आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं कौन बोलने वाला। और अगर आप मेरे से बातें करना चाहते हो या फिर फ्री फायर को लेकर आपका कोई दिक्कत बग रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैसेज कर लेना, इंस्टाग्राम यूजर नेम पापान बियर, तो मैं आप लोगों का मैसेज देख के उस पर वीडियो बनाऊंगा या फिर कुल मिला के भाई आपका जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम, घर पे रहिए, सतर्क रहिए, बाय बाय।